नवनियुक्त 1500 पीजीटी शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री आदरणीय श्री रामेश्वर राव जी, माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय महुआ मांझी जी, राजेश जी विधायक जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, और आज इस कार्यक्रम में अपना अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए उपस्थित हुए सभी नवनियुक्त शिक्षकगण, सबसे पहले मैं नवनियुक्त शिक्षकों को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है विकसित झारखंड बनाने का, एक समृद्ध झारखंड बनाने का, नौजवानों को रोजगार देने का, किसानों को सुविधा देने का, असहायों को सहयोग देने का, जो इनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, उस इच्छा शक्ति का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आज 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आज हमारे बीच जितने भी संसाधन हैं, उन संसाधनों को मजबूत करने का दृढ़ इरादा माननीय मुख्यमंत्री जी का है, और उसमें भी चूंकि मानव संसाधन सभी संसाधनों में सर्वोत्तम संसाधन है, इसलिए मानव संसाधन हमारा मजबूत बने, हमारे झारखंड के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, इसलिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करते रहते हैं। और इसी का परिणाम है कि अपने कार्यकाल के शुरू होने के बाद से लगातार विद्यालयों की स्थिति में सुधार हो रहा है, विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, अच्छे अच्छे विद्यालयों का गठन हुआ है, उसमें पढ़ाई प्रारंभ हुई है, और शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री जी। और आज इनके नेतृत्व में जिस प्रकार से झारखंड आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से झारखंड उन्नत झारखंड बनेगा, विकसित झारखंड बनेगा। इस संकल्प के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब लोग इनके साथ सहयोग करने के लिए खड़े हैं। और आज बहुत ही स्वर्णिम क्षण है जब इस कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर आपको अभी नियुक्ति पत्र वितरण कर रहे हैं। मैं नवनियुक्त शिक्षकों से अनुरोध करूंगा कि जिस आशा और विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, उसी विश्वास के साथ आप अपने अपने विद्यालय में बच्चों को उचित शिक्षा देने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा झारखंड शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी पीछे है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का विश्वास है कि हम सबका जो प्रयास है और जो पहल हम सब कर रहे हैं, उस पहल के आधार पर आज हमारे झारखंड के बहुत सारे बच्चे विदेशों तक पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाई में कोई कमी नहीं हो, इसलिए संसाधन के साथ साथ छात्रों को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। सुविधाएं देने का मकसद एकमात्र यही है कि हमारे बच्चे पढ़ाई से पीछे नहीं छूटे। आज भी बहुत सारे विद्यालय में ड्रॉप आउट की समस्या दिखाई पड़ती है। मेरा अनुरोध होगा शिक्षकों से, अभिभावकों से, कि सरकार के इस संकल्प में आप सहयोगी बने। शिक्षक जहां भी रहें, अपने अगल बगल में परिवारों के बच्चों को प्रोत्साहित करें इस स्कूल जाने के लिए, और उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ाने में अपना सहयोग, निश्चित रूप से सहयोग करें। आज के इस स्वर्णिम क्षण पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने शिक्षा के प्रति अपनी संकल्प शक्ति को दोहराते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। सर, आमंत्रित करती हूँ माननीय मंत्री वित्त, योजना एवं विकास, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी को आज के इस अवसर पर आपके संबोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सत्यानंद भोक्ता जी, पैदनाथ राम जी, महुआ मांझी जी, राजेश कच्छप जी, अविनाश जी, मैं सीमित रखूंगा अपने को शिक्षा पर ही, ज्यादा नहीं बोलूंगा, शिक्षा पर।
आज जो आप हेमंत जी के कर कमलों से नियुक्ति पत्र प्राप्त किए वो शिक्षा का था। आप शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, यह फक्र की बात आपको भी और सरकार को भी। लेकिन आपका जो जॉब है, नियुक्ति पत्र है, नौकरी का नहीं है, पेंशन का नहीं है, ये समाज सुधार के लिए है, समाज में संस्कार लाने के लिए है, समाज के बच्चों में आचरण गढ़ने का है। ये आपकी जिम्मेदारी है। देश का समाज निर्भर करता है शिक्षकों पर, आज से नहीं जमाने से। जैसे शिक्षक रहे जिस जमाने में, वो समाज भी वो सही रहा। आप जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, इतिहास जानते हैं, शिक्षक का क्या देन हो सकता है, देश में उदाहरण है। चाणक्य को जानते हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी का शिक्षक, उस समय प्रोफेसर नहीं कहलाते थे, शिक्षक कहलाते थे। जब से प्रोफेसर, लेक्चरर, रीडर कहलाने लगे, बहुत कुछ नहीं हुआ देश में, शिक्षक ही जिन्हें किया उन्होंने, उन्होंने संस्कार दिया, उन्होंने आचरण दिया, उन्होंने बच्चों को गुणवान बनाया। ये मैं बताना चाहता हूं। तो आपको जिम्मेवारी बच्चों को संस्कार देने का है, उन्हें अच्छी आचरण सदा चार सिखाने का है उनको। ये आपकी जीवन, माता पिता आपका भेज देते हैं, दिन भर बच्चे आपके पास रहते हैं, और आपकी जिम्मेवारी है बच्चे का कंडक्ट कैसे हो। आज जो कंडक्ट है अच्छे हैं, अच्छे नागरिक बनेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा, ये आपको समझना होगा। दूसरी एक समस्या उत्पन्न हुई है इस देश में, सभी जगह लगभग, बच्चों के बीच ड्रग का, ड्रग सेवन का। शहरों में काफी है, लेकिन मैं जानता हूं देहातों में भी फैल रहा है धीरे धीरे। तो आप शिक्षक की जिम्मेवारी है कि ड्रग को कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर बच्चे ड्रग लेंगे तो संस्कारी नहीं हो सकते हैं, सदाचारी नहीं हो सकते हैं। वो ड्रग लेने के बाद क्या व्यवहार, उनका कैसा आचरण हो जाता है, हम सभी समाज के लोग जानते हैं। बहुत ज्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। तो ड्रग को रोकना है आपको। फिर मैं कहूंगा कि 10 बजे स्कूल जाना, 4:30-5 बजे स्कूल छोड़ देना, ये नहीं, इतनी नहीं है इसकी। आपको हर बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा, हर बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा कि लड़का क्लास अटेंड कर रहा है कि नहीं, नहीं अटेंड कर रहा है तो कहां जा रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं, पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है, वो इस पर ध्यान देना होगा। मैं वैसी स्थिति से गुजरा हुआ हूं, कहानी बता करके मैं समय लंबा नहीं बोलूंगा। एक चीज, तीसरी चीज, इसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा, वो आपकी जिम्मेवारी है, बच्चों के बीच साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना। साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना, ऐसे रटा देने से कुछ नहीं, दोहे रटा देने से, गद्य रटा देने से कोई फायदा नहीं। साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परा क्या क्या है, प्रश्न पूछने की आदत। ये बादल है कैसे बना, कैसे पानी बरसता है, पानी बरस के कहां चला जाता है और फिर भाप बन के कहां चला जाता है, ये साइंटिफिक, किताब में पढ़ने का चीज नहीं है, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट जिनके पास रहेगा, आप पैदा करेंगे बच्चों को, वो समझ जाएंगे सब। बहुत चीजें हैं, बहुत उदाहरण देना नहीं चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी को बोलना है, मैं भी उनको, उन्हें सुनने को उत्सुक हूं। इतना कहूंगा कि बच्चों के जिम्मेवारी आपकी है, समाज की जिम्मेवारी आपकी है। अंत में कहूंगा कि सरकार में, जैसे सत्यानंद भोक्ता जी ने कहा, बहुत काम आगे बढ़ा है, पिछले सरकारों से ज्यादा काम हुआ इस सरकार के अंदर में, लेकिन
दृष्टि नहीं है बहुत लोगों के पास देखने के इसमें। संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री बैद्यनाथ राम जी। और अब मैं अगले संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग एवं उद्योग विभाग श्री सत्यानंद भोक्ता जी को आपके संबोधन के। आज के नियुक्ति वितरण समारोह के रोजगार एवं विकास के राज्य में ब्यार बहाने वाले राज्य के युवा और गरीबों के मसीहा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, राज्य के वित्त मंत्री माननीय रामेश्वर उरांव जी, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बैजनाथ राम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी, राज्यसभा सांसद माननीय महुआ मांझी जी और इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय राजेश कश्यप साहब, शिक्षा विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह जी, निदेशक गुप्ता साहब, आदित्य रंजन साहब और इस समागम में 2400 जिला से आए हुए हमारे नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रिंट मीडिया, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कई संकट कई परिस्थितियों के बीच झेलते हुए आज कितने घरों में चिराग जलने वाला है, जब से माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज का कमान संभाले हैं, जैसे ही विकास काम शुरू किए तो पूरे कने विदेश से बीमारी आ गया, कोविड-19 जैसे महामारी। डेढ़ बरस लड़ते रहे, बचते रहे, बचाते रहे और इस राज के कितने मजदूर दूसरे प्रदेश में थे, लॉकडाउन था, अफरा तफरी का माहौल था, नई सरकार थी, लगा कि अब देश प्रदेश बचेगा नहीं, इधर विकास भी करना था। दूसरे प्रदेशों में उत्तर प्रदेश जो कोविड-19 में हजारों हजार लाखों लोग मरे, सबको समुन्द्र में, तालाब में, डैम में भिगा जा रहा था। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कोविड-19 जैसे महामारी में चाहे नेता हो, अभिनेता हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, आम नागरिक हो, सभी को अपने विवेक से हम लोगों को बचाने काम किया। आज हम लोग बहुत बड़ा आपदा से हम लोग आज बचे और यहाँ एकजुट हैं। हमारे बीच लाखों लाख चाहे मास्टर हो, डॉक्टर हो, नेता हो, अभिनेता हो, हमारे नहीं रहे। जैसे हमारे दो दो मंत्री स्वर्गीय हमारे हाजी हुसैन साहब, हमारे स्वर्गीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी हमारे बीच नहीं रहे। ये बड़ा आपदा था। दूसरा आपदा आपसे छिपी हुई नहीं है, सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन कि गांव में जो गरीब है उनका विकास कैसे हो, आम लोगों का विकास कैसे हो, मजदूरों का विकास कैसे हो, किसानों का विकास कैसे हो, शिक्षा का गुणवत्ता क्वालिटी क्वांटिटी में सुधार कैसे हो, इस दिशा में निरंतर हमको लगता है कि रात दिन कभी 2-4 घंटा सोते होंगे, अधिकतर चिंता करते रहते हैं। और देश का पहला राज झारखंड और देश के पहला मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन, जो पूरे प्रखंड प्रखंड में जाकर, पूरे पंचायत पंचायत में जाकर शिविर लगाकर आम लोगों को समस्या सुनने काम किया, समस्या निष्पादन करने काम किया और लोग
लोग टीवी में देखते थे कि मुख्यमंत्री कैसे होते हैं, लोग पेपर में पढ़ते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जाके गरीबों से हाथ मिलाए, फोटो खिंचाए, उनका बातों को सुने, हम पहली बार ऐसा 25 बरस के राजनीतिक जीवन में देखने को मौका मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी जो गरीब दलित शोषित पीड़ित जो जंगल में पहाड़ में जिनको सरकारी हक और अधिकार नहीं मिला, बहुत लोग कहते हैं कि ऊपर में सरकार और नीचे नहीं रहते तो काम नहीं होता, नीचे सरकार बनाओ। हम लोगों ने देखा है 2014 से 2019 तक डबल इंजन की सरकार थी, सारे सांसद सारे विधायक एक ही दल के थे, लेकिन कोई भी शहर से गांव तक एक भी विकास के काम नहीं हुआ। आज गांव गांव में घर घर में जो विकास का रोशनी कोई पहुंचाया है तो माननीय हेमंत सोरेन जी ने पहुंचाया है। जिन लोगों को वृद्धा पेंशन के लिए विधवा पेंशन के लिए लोग दर दर भटकते थे, चप्पल छूट जाता था, जूता टूट जाता था, वीडियो कहता था कि वृद्धा पेंशन का टारगेट मेरे पास नहीं है, पंचायत सेवक कहता था कि भाई लक्ष्य नहीं है, कोई इंग्लिश नहीं बोला, कोई हिंदी में बोला, कोई समझा, कोई समझ वो नहीं किया। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सड़क बनता रहेगा, पुल बनता रहेगा, स्कूल बनता रहेगा, लेकिन जो आजादी के बाद जो सरकार नहीं किया मैं वैसा काम करना चाहता हूँ, गरीबों को लाभ देना चाहता हूँ। इसी का उदाहरण आजाद गरीब बुजुर्ग जितने 60 बरस उम्र वाले हैं सभी का पेंशन, 50 बरस से 60 बरस 10 बरस जो गया था उसका भी पेंशन, और बधा के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि 21 बरस से लेकर 50 बरस तक भी सबका पेंशन। यानी माई के भी बेटी के भी बहन के भी और बहू के भी पेंशन देने वाला है तो हेमंत सोरेन है। और आज जो नियुक्तियां, ये नई नियुक्तियां नहीं है, जब से कमान संभाले हैं तब से पूरे झारखंड में चाहे शिक्षक नियुक्ति हो, चाहे जेपीएससी नियुक्ति हो, चाहे वैज्ञानिक नियुक्ति हो, चाहे पंचायत सचिवों को नियुक्ति हो, चाहे पशु विभाग के चिकित्सक के नियुक्ति हो, चाहे नगर विकास, चाहे आपको वाणिज्य विभाग के सहायक का नियुक्ति हो, चाहे सहायक अभियंता का नियुक्ति हो, अगर कोई रोजगार का अवसर पैदा करने वाला है तो गणेश भूमि नाम लिखाने वाला माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। आज जितने यहाँ पर हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं बहन भाई आए हुए हैं सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है उसको धरातल पर उतारना है। उतारने के मतलब कि आप नियुक्ति पत्र आप सरकारी शिक्षक हो जाएंगे, आपको शिक्षा में गुणवत्ता कैसे हो, सुधार कैसे हो, छात्र छात्राओं का बेहतर शिक्षा कैसे मिले, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। दूसरा कि आज पहला नियुक्ति भी पत्र मिल रहा है, नंबर वन, नंबर दो में वेतन चालू होगा एक महीना के बाद, और देश के पहला राज्य झारखंड, अभी रुक जाए, और देश के पहला राज्य झारखंड और देश के पहला मुख्यमंत्री युवा माननीय हेमंत सोरेन, पूर्ववर्ती सरकार डबल इंजन की सरकार ने दिया सबको टेंशन और हेमंत सोरेन ने दिया पेंशन। तो आज का शाम, आज का नाम, अगर घर में बिजली होगा जलाइएगा, मोमबत्ती भी जलाइएगा, हमर छाप ललटेन छाप उसको भी जलाइएगा, लेकिन आज सबको बता देना है आज हेमंत सोरेन के नाम पर घी का दिया जलाना है। भगवान खोजिएगा जंगल पहाड़ में तो खोजने से पत्थर पहाड़ मिल जाएगा, लेकिन भगवान भी मिल जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगा। अगर आज का कोई नौकरी देने वाला है, आपके परिजनों को घरों में खुशी का चिराग जलाने वाला है तो आज का भगवान माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। आप जब तक
सरकारी सेवा में है तब तो नाम लेंगे ही, लेकिन रिटायर होने के बाद भी आपको याद आएगा कि हमको कोई नौकरी दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिया है, ये यादगार पल है। तो बहुत संकट परिस्थितियों के बाद सरकार के कई संकट कई परिस्थितियां पैदा हुआ, लेकिन विकास और रोजगार कभी रुका नहीं, विकास के पहिया चलता रहा। मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी दांव पर विकास और रोजगार के लिए सब कुछ लगा दिए हैं, विकास और रोजगार के पूरा ताकत लगा दिए हैं, रुक नहीं सकते। अब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोई भी संकट आए टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते हैं। अब शिक्षकों के लिए शिक्षक सत की राह पर छात्र छात्राओं को चलना सिखाते हैं, शिक्षक सत की राह पर छात्र छात्राओं को चलना सिखाते हैं, जीवन के संघर्ष से लड़ना सिखाते हैं, जीवन के संघर्ष से लड़ना सिखाते हैं। कोटि कोटि नमन आप सभी नवनियुक्त शिक्षकों को जो छात्र छात्राओं को ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। एक और छोटा सा, बहुत विकास बहुत रोजगार हमारी सरकार ने दी, लेकिन जीवन जीने के लिए, अगर जीवन जीना है बढ़िया से, मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, साड़ी चाहिए, नौकरी चाहिए, पेंशन चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, तो जीवन जीने के लिए अगर अच्छा लगे ताली मार दीजिएगा, जीवन जीने के लिए कुछ खास होना चाहिए नहीं जी, जीवन जीने के लिए कुछ खास होना चाहिए। और रोजगार के लिए विकास के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास होना चाहिए। कुछ लोग जो हमारे विपक्षी हैं कहते हैं कि सरकार ये नहीं किया, विकास नहीं किया, रोजगार नहीं किया, सड़क नहीं बनाया, पुल नहीं बनाया। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि आपको लगातार 15-16 साल तोड़ मोड़ की सरकार, बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार अपनों चलाया, लेकिन आप लोगों ने किया का एक गली नहीं बना सके, एक नौकरी नहीं दे सके। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा।